हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचिज़ हैप्पी प्लेस। मेरा नाम रुचि ठाकुर है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के फेमस इस्कॉन टेंपल में, जिसे श्री श्री राध पार्थ सारथी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, हरे कृष्णा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन टेंपल हरे कृष्णा हिल्स, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इस्कॉन टेंपल के है नेहरू प्लेस एंड कैलाश कॉलोनी। दोनों ही मेट्रो स्टेशन से आपको ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा करके यहाँ तक आना पड़ेगा। इस्कॉन टेंपल इज़ वेरी वेल नोन एज वैष्णव टेंपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड गॉडेस राधा इन द फॉर्म ऑफ राधा पार्थ सारथी। इस्कॉन टेंपल की मेन एंट्रेंस है गेट नंबर 1 से, जो कि बिल्कुल रोड के साथ ही है। यहाँ से जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पर कुछ लेडीज़ फूलों की मालाएं सेल कर रही हैं, तो आप यहाँ से फूलों की मालाएं बाय कर सकते हो और मंदिर में जाकर अंदर चढ़ा सकते हो। मंदिर की एंट्रेंस पे आप देख सकते हो दो बड़ी बड़ी सुंदर सी मूर्तियाँ बनी हैं। इसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले सिक्योरिटी चेक से होकर जाना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक जैसे ही आप क्रॉस करोगे, सामने आपको दिखेगा गोविंदास प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको एकदम सात्विक भोजन खाने को मिलेगा और वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। इस्कॉन टेंपल में आपको यहाँ पर वैदिक शो, रोबोट शो और ऑडिटोरियम, गिफ्ट शॉप, गेस्ट हाउस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट भागवत गीता भी आपको देखने को मिलेगी। 800 किलो की इस भागवत गीता का अनावरण हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 26 फरवरी 2019 को किया था। आज मैं इस्कॉन टेंपल इवनिंग में आई थी, तो मैंने इसे इवनिंग में शूट किया। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये इस्कॉन टेंपल है, और इवनिंग में लाइट्स में तो ये और भी सुंदर लग रहा था। मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन्स हैं। यूजली ये फाउंटेन्स रात को या इवनिंग के टाइम ये स्टार्ट करते हैं, और इवनिंग के टाइम ही ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुंदर लगते हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। इस्कॉन टेंपल अगर आप कभी यहाँ आए तो आप इसके साथ साथ दो और बहुत फेमस दिल्ली के मंदिर भी जा सकते हो। जी हाँ, इसके बिल्कुल पास में है लोटस टेंपल और साथ में है फेमस कालका माता का टेंपल, जो कि इस्कॉन टेंपल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आपको जस्ट एक पार्क क्रॉस करना है और आप पहले लोटस टेंपल और उसके साथ में ही है कालका माता का टेंपल, तो आप दोनों ही मंदिर, इनफैक्ट आप तीनों मंदिर एक दिन में एक साथ कवर कर सकते हो। इस्कॉन टेंपल में आए दिन कुछ ना कुछ रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ की वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हो और वहाँ पर पता कर सकते हो। इसके अलावा इस्कॉन टेंपल में आपको हरे कृष्णा गारमेंट्स, बुक शॉप और बहुत यूनिक गिफ्ट्स की शॉप्स भी मिल जाएंगी। आप यहाँ से अपनी पसंद के हिसाब से शॉपिंग भी कर सकते हो।
इस गिफ्ट शॉप में आपको बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएंगी, हनी, धूप स्टिक्स, इन्फ्यूजन टीज, सैंडलवुड, कैम्फर, रोज़ पाउडर, बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अंदर जाकर अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी। मंदिर के अंदर ही ये स्वीट शॉप है जिसे गोविंदा स्नैक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको वैरायटी में स्नैक्स खाने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो और मंदिर में जाकर आप वो प्रसाद चढ़ा सकते हो। प्रसाद में आपको वैरायटी में लड्डू मिल जाते हैं तो आप वो यहाँ से बाय कर चढ़ा सकते हो। मंदिर के परिसर में ही यहाँ पर दो जूता घर हैं जहाँ पर आप अपने शूज़ डिपॉज़िट करवा सकते हो, और उसके साथ में ही यहाँ पर पानी भी है जहाँ पर आप अपने हैंड वॉश कर सकते हो और फिर मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हो। इस्कॉन टेंपल में आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलेगी, बट अगर आप किसी स्पेशल ओकेज़न में आते हो या वीकेंड पे आते हो तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये गरुड़ जी की मूर्ति है जिसकी हरे कृष्णा का जाप करते हुए परिक्रमा की जाती है। ये सामने है हरे कृष्णा जी का मंदिर जिसमें हम अब जाने वाले हैं। इसके बाहर हैं ये दो मूर्तियाँ, श्री विजया एंड श्री जया। यहाँ पर है ये बोर्ड, यहाँ पर मंदिर के टाइमिंग्स मेंशन है, कब मंदिर खुलता है, कब मंदिर बंद रहता है, इसके अलावा कब कौन सी आरती होती है, वो सब यहाँ पर मेंशन है। अंदर से पूरा मंदिर वाइट मार्बल का है। आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पास से थोड़ा सा कैप्चर करना मेरे लिए टफ हो रहा था।
मंदिर में आपको राधा कृष्ण जी के साथ साथ राम लक्ष्मण और सीता हनुमान जी की भी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, आप इनके भी दर्शन कर सकते हो। इस्कॉन टेम्पल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अगर आप कभी भी दिल्ली आएँ तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर जाएँ। आपको यहाँ आकर बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी और आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। मंदिर बहुत बड़ा है, अगर आप घूमते घूमते थक जाओ तो यहाँ पर बैठने का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। आप यहाँ पर बैठ सकते हो, भजन कर सकते हो और हरे कृष्णा का जाप भी कर सकते हो। मंदिर के अंदर मैरिज हॉल भी है जिसे लोग शादियों के लिए बुक करवाते हैं और यहाँ से शादियाँ भी करवाते हैं। इस्कॉन टेम्पल अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, इस्कॉन टेम्पल में एम्पल अमाउंट में फ्री कार पार्किंग भी अवेलेबल है, तो एटलीस्ट आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस्कॉन टेम्पल में आए दिन कोई ना कोई कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आते रहते हैं। आप चाहे तो यहाँ की योगा या मेडिटेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस्कॉन टेम्पल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम में आपको राधा कृष्ण जी की, राम लक्ष्मण सीता जी की और भी बहुत सारे देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ मिल जाएंगी। बेसिकली ये मार्बल और मेटल की मूर्तियाँ हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ठाकुर जी के आपको वस्त्र भी मिल जाएंगे और बड़े लोगों के कपड़े भी आपको यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल अटायर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात कि एवरी डे इवनिंग में यहाँ पर लंगर लगता है जिसमें खिचड़ी सर्व की जाती है। बेसिकली ये ज़रूरतमंद, हंग्री, नीडी पीपल के लिए ये खिचड़ी सर्व की जाती है, बट ऐसा नहीं है वो ही खा सकते हैं। अगर आप कभी विज़िट करें तो आप इसे प्रसाद के तौर पर ज़रूर ग्रहण करें। यहाँ पर लाइन में लगकर ये खिचड़ी ली जाती है। अगर आप चाहें तो डोनेट भी कर सकते हो। बेसिकली आपको वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर फूड डोनेशन के कॉलम में क्लिक करके आपको डोनेट करना है। So yeah, your little contribution to society can feed someone who cannot even buy one-time meals. I hope guys you enjoyed this blog, so I am ending this blog. I hope next time whenever you will visit Delhi, you will plan your trip soon to ISKCON temple. Bye-bye, take care, and please don't forget to like, share and subscribe. See you soon.